We will start with spherical lenses today. जैसे spherical mirror होते हैं वैसे ही spherical lenses भी होते हैं. दो तरीके के lenses होते हैं. एक होता है convex lens जो कि दोनों तरफ से bulging रहता है. Convex lens जो होता है वो converging lens होता है. इसका मतलब ये है कि वो सारी ray of light जो कि उसके ऊपर fall कर रही है वो उसे converge कर देता है. ये जो लाइट पैरेलल हो रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मीट हो जाती है. कन्वर्ज मतलब दे मीट एट अ पॉइंट. और कॉनकेव लेंस वो होता है जो जिसके दोनों साइड गहरे होते हैं. जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है. ये देखिए ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये फैल जा रही है. कॉनकेव लेंस से पास होने के बाद फैल जा रही है. इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है. लाइट रेस सीधी ना जाके बेंड हो जा रही है. व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. ये रेयरर मीडियम है और जो लेंस जो कि ग्लास से बना हुआ है वो डेंसर मीडियम है. तो वो बेंड हो जा रही है अपने नॉर्मल रास्ते से. तो लेंसेज जो होते हैं वो लाइट को डेविएट कर देते हैं या वो उन्हें आपस में मिलाने की तरफ लेके जाते हैं. जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. या फिर वो लाइट को फैला देते हैं लाइक कॉन्केव लेंस एंड इट इज डाइवर्जिंग लेंस. अभी हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज क्यों करता है और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्ज क्यों करता है. ये देखो अगर हम ये लेंस को अलग अलग पार्ट में देखें तो ये बहुत सारे प्रिज्म की तरह होता है. अब ये एक प्रिज्म है ये एक प्रिज्म है. जो लाइट रे नॉर्मली फॉल हो रही है वो बिना डेविएशन के आगे निकल जाएगी. अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं. जैसे सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे जब आएगी इस वाली पर्टिकुलर लाइट रे के लिए ये सरफेस कुछ इस तरीके का कर्व्ड है. तो इसमें जब नॉर्मल बनेगा तो वो इस तरीके का बनेगा. ये 90 डिग्री का एंगल इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए है. अब बिकॉज इट इज रेयरर मीडियम यहाँ हवा है और ये ग्लास है तो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. सो इट विल नॉट गो स्ट्रेट. ये नॉर्मल है आपका. अगर वो स्ट्रेट जाती तो वो कुछ इस तरीके से जाती बट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो वो ऐसे जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. अब इस सरफेस पे अगर हम देखें तो नॉर्मल ऐसा बन रहा है इस सरफेस पे. अब यहाँ पे लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है. अगर वो सीधी जाती तो इस तरीके से जाती लेकिन अब वो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रही है. तो वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी. तो देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है जो सीधी आ रही थी वो कन्वर्ज हो रही कन्वर्जिंग डायरेक्शन में है. सिमिलरली अगर आप नीचे से देखेंगे तो भी इस पर्टिकुलर सरफेस में ऐसा नॉर्मल बन रहा है. तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अगेन. फ्रॉम हियर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये दोनों लाइट रे कन्वर्ज हो रही हैं. अगर हम कॉनकेव लेंस में देखेंगे कि ये डाइवर्ज क्यों हो रही तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा. कॉनकेव लेंस में यहाँ से जो लाइट रे आएगी इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए आप देखो कैसा नॉर्मल बनेगा. जस्ट इसका ऑपोजिट नॉर्मल बनेगा. तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो अगर सीधी जाती तो कुछ इस तरीके से जाती बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये ऐसे जाएगी अगेन इस सरफेस के लिए ऐसा नॉर्मल बनेगा. So it will bend away from the normal. तो ये और ज़्यादा diverge हो जाएगी. So this is how concave lens acts as a diverging lens and convex lens act as a converging lens. अभी हम prism देखेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि prism में हमेशा base की तरफ light जाती है. ये prism है अगर suppose तो prism में हमेशा base की तरफ light जाती है. अब हम कुछ एक टर्म्स देखते हैं जो कि स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड है. जैसे हमने मिरर में देखा था ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस दो स्फेयर से ये लेंस बना है उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ये कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं इसमें और कॉन्केव में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं. मिरर में हमने क्या देखा था कि मिरर कुछ इस तरीके का होता है तो इसमें एक ही आर्क रहता है इसलिए उसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है. बट लेंस में
दोनों तरफ आर्क्स हैं, इसलिए इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ दिस लेंस इज अ पार्ट. अब हम देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस. जो लेंस का मिड पोर्शन होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है और एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ. इसको हम ओ से डिनोट करते हैं. मिरर के केस में हम मिडिल ऑफ द मिरर को पोल कहते थे एंड इट इज डिनोटेड बाय पी. लेंस के केस में उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, द सेंटर ऑफ द लेंस. एंड व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं तो वो बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस. अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये इधर से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. और आप ये आर्क देख रहे हैं और ये सेंटर है, तो रेडियस ये आर्क और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. ये सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे. सिमिलरली अगर इस आर्क का देखा जाए तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड अगेन हियर ऑल्सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होती है. पहले हम देखते हैं कि फोकस क्या होता है. जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है कॉन्वेक्स लेंस में वो जाके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है और इस जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही है उस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं एंड इट इज नोन एज फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है. तो व्हाट इज फोकस? फोकस इज अ पॉइंट इन विच ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट अ पॉइंट. कॉनकेव लेंस में ये कन्वर्ज नहीं होती है, ये डाइवर्ज होती है. बट अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड फोकस. सो इसमें जो होता है कॉन्केव लेंस में वर्चुअल फोकस होता है और कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है. तो फोकल लेंथ क्या हुई? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट. ओ और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होती है. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. स्मॉल एफ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसी लेंस को देख के हम एटलीस्ट कंपेयर कर सकते हैं कि किस लेंथ का फोकल लेंथ ज्यादा है और किस लेंस का कम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो जितना कर्व्ड लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी. फोकल लेंथ उसकी कम होगी. जितना फ्लैट लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप इसके कर्वेचर को आप एक्सटेंड करोगे और एक सर्कल बनाओगे तो ये एक छोटा सर्कल बनेगा. छोटा सर्कल बन रहा है मतलब सेंटर उसका रेडियस छोटा होगा. रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी छोटा होगा. अगर आप इस कर्व से एक सर्कल बनाओगे तो ये काफी बड़ा सर्कल बनेगा, तो उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा. मतलब कम कर्व्ड लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है और मोर कर्व्ड लेंस का फोकल लेंथ कम होता है. अब हम लास्ट टर्म देखते हैं इससे रिलेटेड, वो है अपर्चर. अपर्चर ऑफ द लेंस. लेंस का अपर्चर मतलब होता है कि उसका एक्चुअली कितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसको हम मेजर करते हैं इसके इफेक्टिव डायमीटर से. जैसे ये यहाँ सपोज ये ए है और ये बी है, तो लेंथ ए बी विल बी द अपर्चर. अपर्चर का जो मेजरमेंट होता है वो इट इज मेजर्ड फ्रॉम दिस इज दिस डायमीटर ए एंड बी. सिमिलरली ये जो कॉन्केव लेंस है उसका अपर्चर जो होगा वो फ्रॉम सी टू डी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक इन टू मोर डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर.